नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आज देखते हैं विश्व इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कि प्रथम विश्व युद्ध के क्या परिणाम निकले। तो प्रथम विश्व युद्ध के देखिए मुख्यतः 13 परिणाम निकले थे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण पहला परिणाम प्रथम विश्व युद्ध का यह निकला कि इसमें देखिए लाखों लोगों की मृत्यु हुई तथा उद्योग एवं आधारभूत संरचना के नष्ट हो जाने के कारण गरीबी एवं बेरोजगारी बहुत बढ़ गई। दूसरा कि यूरोप के अनेक देशों का सार्वजनिक खर्च बहुत ज्यादा बढ़ गया, अतः वे ऋण के जाल में फंस गए, और जब वे ऋण के जाल में फंस गए तो उनका आर्थिक असंतुलन उनके देश में पैदा हो गया और साथ ही कीमतें भी बहुत अधिक बढ़ गई। तो दो मुख्यतः आर्थिक परिणाम निकले। अब सामाजिक परिणाम देखिए मुख्यतः चार निकले थे। पहला कि देखिए पुरुष जब युद्ध लड़ने चले गए तो महिलाओं ने कृषि एवं उद्योग क्षेत्र में कार्य करना आरंभ किया, अतः यूरोप में महिलाओं में आत्मनिर्भरता बढ़ी। जब महिलाओं ने कृषि और उद्योग में काम करना प्रारंभ किया तो उनमें आत्मनिर्भरता बढ़ी, और जब उनमें आत्मनिर्भरता बढ़ी तो लिंग भेद कम हो गया। और इसके साथ ही देखिए 1918 ईस्वी में इंग्लैंड में 30 वर्ष से अधिक महिलाओं को मताधिकार भी प्रदान कर दिया गया। प्रथम विश्व युद्ध का सामाजिक प्रभाव में दूसरा देखिए कि शिक्षा का ह्रास हो गया, क्योंकि शिक्षक एवं छात्र युद्ध लड़ने चले गए। प्रथम विश्व युद्ध का सामाजिक प्रभाव के तहत तीसरा प्रभाव यह पड़ा कि परिणाम यह निकला कि कुशल एवं दक्ष श्रमिकों की कमी हुई, अतः उनका महत्व बढ़ गया, और जब उनका महत्व बढ़ा तो वे अपने लिए अधिक सुविधाओं की मांग करने लगे। वो इस कारण से देखिए श्रमिक संगठनों का भी गठन हुआ, और 1919 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ का गठन हुआ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का गठन 1919 में हुआ। मुख्यालय इसका देखिए जिनेवा में है। चौथा सामाजिक प्रभाव में कि देखिए यूरोप में नस्लवाद एवं जातीय कटुता में कमी आई, क्योंकि अनेक नस्ल एवं जाति के लोग एक साथ युद्ध लड़े थे, इसलिए उनमें भाईचारा की प्रवृत्ति का विकास हुआ था। राजनीतिक प्रभाव देखिए छह मुख्यतः राजनीतिक प्रभाव पड़े प्रथम विश्व युद्ध के। पहला कि देखिए अनेक राजतंत्रों का पतन हुआ एवं वहां पर लोकतंत्र की स्थापना हुई, जैसे कि ऑस्ट्रिया, जर्मनी, रूस, तुर्की इत्यादि देशों में। दूसरा, समाजवादी विचारधारा का उदय एवं विकास हुआ। तीसरा परिणाम, अमेरिका विश्व शक्ति के रूप में उभरा। अमेरिका ने युद्ध के समय यूरोपीय देशों को सैन्य सामग्री, खाद्यान्न एवं कर्ज देकर यूरोप के देशों पर अपना प्रभाव बहुत बढ़ा दिया, और जब यूरोप के देशों पर अमेरिका का प्रभाव बढ़ा तो ऑटोमेटिक रूप से फ्रांस, इंग्लैंड और जर्मनी का प्रभाव घट गया यूरोप में भी, विश्व राजनीति में भी। चौथा प्रभाव की देखिए अनेक देश के नेता देशहित के नाम पर असीमित अधिकारों का उपयोग करने लगे, अतः वहां पे नाजीवाद, फासीवाद का विकास हुआ। जैसे कि नाजीवाद का विकास इटली में मुसोलिनी के नेतृत्व में हुआ, और फासीवाद का विकास जर्मनी में हिटलर के नेतृत्व में हुआ। पांचवा देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए 1920 ईस्वी में राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। 1920 में राष्ट्र संघ की देखिए स्थापना हुई थी, और इसको भंग करके बाद में 1945 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, यूएनओ की। छठा प्रभाव यह पड़ा कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1919 के वर्साय की संधि के द्वारा राष्ट्रीयता के सिद्धांत को स्वीकार करते हुए अनेक राष्ट्रों का गठन हुआ, जैसे कि चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, पोलैंड, फिनलैंड, लिथुआनिया इत्यादि। प्रथम विश्व युद्ध में देखिए वैज्ञानिक प्रगति भी हुई, तो जैसे कि हवाई जहाज के क्षेत्र में, पनडुब्बी के क्षेत्र में,
रासायनिक हथियारों के क्षेत्र में, औषधियों के क्षेत्र में भी प्रगति हुई। तो देखिए वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में, फिर देखिए राजनीतिक परिणाम मुख्यतः देखिए छह राजनीतिक परिणाम निकले, साथ ही देखिए सामाजिक प्रभाव में भी चार सामाजिक प्रभाव हैं, और आर्थिक और जो मानवीय क्षति हुई थी वो भी दो महत्वपूर्ण है। इस प्रकार देखिए कुल 13 महत्वपूर्ण प्रभाव या परिणाम निकले, किसके, प्रथम विश्व युद्ध के, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज इतना ही दोस्तों, मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक सादर नमस्कार।